व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर हेलो गाइस बेरी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को फूल दे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पहाड़ी में तो बोलते हैं फूल संग्रात, तो आज है फूल दे भी, हमको पता नहीं था। तो अभी मैं ये फूल लेके आए हैं, अभी हम ये फूल, चलो चलते हैं, इनको डालती हूँ मैं फूल को। और गाइज, आपसे ये कहना चाहेंगे, आपसे एक चीज कहना चाहेंगे, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो मतलब सब्सक्राइब जरूर करना और पूरी वीडियो देखना, कमेंट भी करके बताना है मतलब कि कैसा लगता है ये सब। ठीक है, फोटो फ्रेंड्स, मैंने आपसे पिछले वाले ब्लॉग में कहा था अगर ये चिप्स बन जाएंगे तो मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगी। तो मैंने बहुत सारे चिप्स बना रखे हैं, एक साथ ही रख रखे हैं, मतलब जैसे चावल के और कहे के थे, चावल के थे और साबूदाने के चिप्स बना। यह है मटरी, मैंने इसको दिया है और ये है चिप्स, कैसे करो कहीं के होंगे, यह है चावल के भात के। ठीक है, ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, अगले साल बताऊंगी, नहीं अभी बता देती हूँ। मतलब इसको जैसे हम लोगों ने चावल बना दिया, इसको बहुत ज़्यादा पकाना हुआ, लेकिन मतलब जैसे हम लोग मीडियम चावल खाते हैं वैसा नहीं, इसको ज़्यादा पकाना हुआ। उसके बाद जब ये पक जाएगा, इसको मतलब बहुत पिचका देना, मार के पिचका देना। फिर उसके बाद एक छोटी सी पन्नी लाना, जैसे हम लोग जैसे जलेबी वलेबी बनाते हैं उस टाइप का पन्नी लाना या कपड़ा लाना। फिर इसको सेक देना छोटा, जैसे तुम आप गोल गोल करना चाहते हो, छोटा सा लंबे में टेढ़े मेरे जैसे करना चाहते हो, फिर सूखेंगे बन जाएंगे। ये है तिरंगा झंडा, ये है साबुतानी के चिप्स, ये भी मैंने, ये भी बहुत आसान होते हैं। इनको मतलब पानी में पूरा उबाल दिया साबुतानी लगा के, थोड़े गाढ़े होते हैं, इसमें नमक में सब कुछ डाल दिया जैसे आपको चाहिए। फिर उसके बाद धूप में डाल देना इसको, एक चूड़ी रख देना उसके बीच में डालना ये, क्योंकि सेक मिलेगा इनको गोल गोल। वैसे तीसरी रेसिपी है ये, आपको बताना कैसे लगे मेरे चिप्स। तो गाइस, अभी मुझे जाना है मार्केट, मेरी बुआ आने वाली है, तो अब मैं जाऊँगी मार्केट। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद दिन में थोड़ी शाम को मम्मी आने वाली है यहाँ, यहाँ पे मेरी जेठानी है, दीदी है, उनका बेबी हो रखा है, मेरी भतीजी हो रखी है, तो वहाँ पे जाना है, हम लोगों ने बधाई देने हैं। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और फूल दही थी, सब कुछ कर लिया है, खीर भी बना दी है मैंने, खीर भी खा दी मैंने, इन्होंने भी खा दी है आइसक्रीम। तो गाइस, मैं मार्केट से बहुत पहले आ गई थी, मैं कितने बजे आ गई थी वैसे मार्केट से, 1:45 बजे। देखो मेरे होली का कलर लगा रखा है, आज होली का टीका भी है ना, तो हैप्पी होली सबको एडवांस में। क्या बोल रहे हो? अरे तो मैं गुजिया का सामान भी ला गई हूँ, अब शाम को लाऊंगी मैं गुजिया, मतलब सामान तो लाई गई हूँ, बस वो लाना है, तो मैदा वैदा और चीज़ें लानी है, अभी यहीं पे से ला लूँगी मैं। अब ना खाना वाना भी खाई दिया हम लोगों ने, थोड़ी देर आराम करते हैं, अभी बज गया है 2:52, 3 बजने वाले हैं, फिर थोड़ी देर यहाँ पे बधाई देने भी जाना है, तो थोड़ा आराम आराम। गाइस, मैं यहाँ पे आ गई हूँ बधाई देने, यहाँ पे कोई दीदी है बट अभी दीदी मुझे दिखाना नहीं बोल दिया है, और छोटी बेबी भी है, अब उसको नामकरण में देखना। यहाँ पे लोग हैं, हाँ बोल, हेलो नानी मिस श्रद्धा जन, अच्छा। तो अभी हम लोग आए हैं हनुमान मंदिर के पास सामान देने, मम्मी लोगों को कुछ, मम्मी आई तो नहीं, यहाँ परसों आएगी, तो अभी आ रही है सिया और साक्षी आ रहे हैं, आज मेरी बहन का बर्थडे भी है साक्षी का, बुला तो रही है, बट उनको कुछ काम है ना घर पे, मुझे जरूर आनी है इसी वजह से, अब जिस टाइम आती है उस टाइम मिलवाती हूँ उन लोगों से आपको मैं ये इसमें। तो गाइस, अभी ये लोग आ गए हैं यहाँ पे, देख, और ये पट्टे गर्ल, और ये है साक्षी, और ये है सिया, क्या लाइए मिले इसमें है सामान, इसमें और इसकी बैंक की यार, फ्रेंच फ्राइज बनाना भी है, कल बना देंगे। तो गाइस, वो लोग चले गए, देख सकते हो चले गए हैं लोग, अब हम लोग भी जाते हैं, इसमें मेरे अंडा पेटी सार किया। तो ठीक है गाइस, हम लोग अब घर पहुंच चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहोगी? अभी फोन पे बिजी है फिलहाल,
ये बोलना भूल गई थी कि हम घर पहुंच चुके हैं, मैं बता देता हूँ हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद बनाएगी ये जो सामान लाया अभी, मैं दिखा देता हूँ। इस पे क्या है यार, पूरा सामान तो बनाने दो मुझे। चलो अभी आप ये सामान बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे, फिर बनाएगी, फिर दिखाऊंगा मैं सामान क्या क्या बनाती है। ओके गाइस, कल हमने व्लॉगिंग नहीं करा था, अभी बजे हैं सुबह के 7:45 हो गए हैं, तो अभी हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मैं गुजिया बनाने की रेसिपी बता दूंगी आपको। गाइस, अब मैं गुजिया बना रही हूँ, तीनों बना रहे हैं, और ये पता नहीं जो काम करने लगे पड़े हैं, जो पता नहीं क्या बना रहे हैं अपने लिए। ये इसमें है, ये ड्राई फ्रूट्स मैंने काटे हुए थे, खा के खत्म कर दिए इन्होंने। और इसमें ये, इसका नाम मुझे याद ही नहीं है, कुछ बोलते थे इससे, ड्राई फ्रूट्स, ये गुजिया में डलता है, पता नहीं इसका नाम मेरे को याद ही नहीं है। और ये है नारियल का वो बुरादा, इसमें चीनी, ये है वो क्या बोलते हैं, इसी का बोलते हैं खोया, खोया सॉरी खोया, और मैंने इस पर आटा गूंथ के रखा हुआ है, हो गया ये सब जो करने में पड़े होंगे। ये जो बना रहे हैं आज अपने लिए, तो गाइस देख सकते हो अभी बनाने लगी है, क्या बोलते हैं इसको, मेरा मुंडा नहीं यार, सूजी, सूजी ये थोड़ी ब्राउन होने देनी है, अभी इसको बनने देते हैं। और आप क्या बना रहे हो, पता नहीं जो बनाने होंगे भाई जी। मैं अभी बनाता हूं यार, अभी बनाएंगे, बनाने के बाद दिखाऊंगा, मतलब अगर अच्छा बनेगा तो तब दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। तो गाइस ये सूजी ब्राउन ब्राउन तो हो गई है, ये इसके ऊपर से मैं ये डाल दूं, क्या बोलते हैं इसे, खोया, खोया खोया, थोड़ा खोया मैंने रखा है, इतना बहुत हो, इसको पता नहीं जो बोलते होंगे, चीनी तो बड़ी नहीं बचा, चीनी तो चीनी डल रही है इसमें, बे इंतहा चीनी डल दिया है, बे इंतहा चीनी डाली है। अरे मैं चीनी का कलर लाने की सोच रही थी पहले, ये ड्राई फ्रूट्स थोड़ा डाल देती हूँ, थोड़े डालती हूँ फिर बाद में डालूंगी। अरे इन्होंने खा खा के खत्म कर दिया है, तो गाइस इसका मसाला तैयार हो गया है। ये क्या होता है, ये वो नारियल का, वो ये नारियल का, ये मैं इसलिए ला रखी हूँ थोड़ी, वो उसके लिए ला रही हूँ, चाशनी वाली बनाऊंगी ना ये। अच्छा तभी तो भाई अभी भी मिक्स हो गया, इसमें ये बन चुका है, इसके बाद बनाते हैं हम लोग सूजी का। तो गाइस मेरा अंडा ब्रेड बन चुका है, ये देख सकते हो कैसा लग रहा है आपको, अगर आपको भी खाने का मन हो रहा है तो खा सकते हो। और आज इसमें बना रहे, तो गाइस देख सकते हो आज नई प्रकार की मैगी बनी है, रेड कलर की मैगी, जिस जिसने खाया है कमेंट करके जरूर बताना मतलब कैसी होती है। और मेरा भी बन चुका है ये, मैं भी खाता हूँ इसको। ओके गाइस, यहाँ पे सरिता ये मुझे इसमें शक हो रहा है, ये मेरी बड़ी नहीं खाऊंगी, देख सकते हो अलग से इसको। अरे वो तो नहीं लगी, थोड़ा सा आटा बेलने के लिए थोड़ा सा आटा भी नहीं लाई मैं, थोड़ा सा आटा ला। तो भाई जब लोग गुजिया बनाने लग गए, मैंने आटा गूंथ रखा था, और ये गुजिया बनाने वाली मशीन पुरानी वाली चाक हो गई होगी, नहीं लेके आए अभी हम। और ये मसाला, और इसमें भी है थोड़ा के नीचे वाला खोया, खोया वाला है, ऊपर वाला इनके लिए, ज़्यादा मीठा वाला नहीं लाते इसमें, इनके लिए अलग से। ये don't know where we're gonna fly, like
like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try and to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Inside of me, in this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn, can you stay and I will grow? पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस सब कुछ बन चुका है, अभी देख सकते हो, देखो। उसके बाद ये भी बना दिए हैं इसने। अब इनको तलते हैं, चलो चलते हैं। अब इनको तलते हैं, चलो। तो भाई अभी डालने लगे इसमें गुजियाज, गुजिया देख सकते हो। तो ये सारे गुजिया बन गए हैं, ये गुजिया बना दिए हैं। और अभी मैंने और मटरी बना रखी थी इनके लिए, और वो तो मैं बांटूंगी, ये कर दूंगी। और ये आगे इनके गुजिया हैं, और अभी ये चिप्स कर दूंगी मैं। ये मटरी है, तल गई है ये भी, ये भी तल रहे हैं अब धीरे धीरे। ये तो गाइस ये चिप्स रंग बिरंगे, तो गाइस अभी ये फ्रेंच फ्राइज बना रही है, ये जल्दीबाजी में बना रही है अभी। तो अभी दिखाते हैं कैसे बनते हैं। Seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving.
तो गाइज यहाँ पे मैंने सब कुछ बना लिया है। ये है चिप्स, इसमें मैंने कुछ घर में बनाए थे, जैसे ये बनाए थे मैंने घर में याले और बहुत सारे हैं। और ये वाले ऑरेंज और वाइट वाले और ये वाइट वाइट वाले मछली वाले, ये मैं मार्केट से लाई थी। और ये मैंने इनके लिए बना रखे हैं मटरी। और ये फ्रेंच फ्राइज मैंने अपने लिए बना रखा है, अभी इसमें ऊपर से मिर्ची इर्ची डालनी है। और ये है गुजिया, और इसमें है खोया वाली गुजिया, इनके लिए है ये। तो आपको कैसा लगा ये देख के बताइएगा कमेंट पे, और घर पे गुजिया बनाइएगा। और अगर आपको घर पे गुजिया बनानी होगी, इसमें मैंने रेसिपी दी है, तो आप बना लेना। कोई लोग तो सोच रहे होंगे हाँ हमें तो आता ही है गुजिया बनाना, क्या क्या बोल रही होगी ऐसा करके, ऐसा मत सोचना। जिसको नहीं आता वो तो देखेगा कम से कम। तो गाइस अभी चिप्स और हम दूध पीते हैं और मज़े लेते हैं चिप्स के। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय गाइज़।